नमस्कार, एनएचआई न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए चलते आज की खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश भर में जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए नेताओं द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी नेता जनता को लुभाने के लिए विवादित बयानबाजी भी कर जाते हैं। ऐसा ही मामला भी विधानसभा में सामने आया है, जहां पूर्व सांसद रामलखन सिंह के पुत्र और बीएसपी नेता संजू सिंह संजू ने खुले मन से एसडीएम को धमकी दे डाली। दरअसल बीएसपी नेता संजीव सिंह द्वारा आज भी मुख्यालय पर आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं से राखी बंधवाने के बाद उन्हें साड़ी वितरित की गई, जहां उन्होंने मन से अपनी संबोधन में अति उत्साह में एसडीएम भीम को चप्पल से पिटवाने की धमकी देते हुए सबक सिखाने की बात कही। बीएसपी नेता संजीव सिंह लंबे अरसे से भीम विधानसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वह पूर्व विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हारने के बाद दोबारा वह आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते वह विवादित बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कि जो सत्ताधारी नेताओं के दबाव में आकर ये कुचक्र और षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, जब मेरे पिताजी ने भी आपको नहीं बताया, जब एसडीएम का मेरे पास फोन आया कि आपका जो कार्यक्रम था, जो आपकी जो परमिशन थी, उसको निरस्त कर दी गई है, तो बहनों मेरा जवाब क्या था? मैंने उस एसडीएम से कहा कि एसडीएम साहब, आपको जानकारी नहीं है, कार्यक्रम तो होगा और हजारों की संख्या में मेरी बहनें आएंगी, और अगर मैंने बहनों से इशारा कर दिया कि ये एसडीएम तुम्हारे भाई को परेशान कर रहा है, तो कितनी चप्पलें पड़ेंगी आप समझ सकते हो। सही कहा कि नहीं कहा? मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक को, कि उन्होंने जैसे मैंने फोन किया, उन्होंने कहा नहीं, आप कार्यक्रम करिए, आपका कार्यक्रम होगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो सरकार के और सत्ता के नशे में है। अगर मेरी बहनें खड़ी हो गई तो इनका नशा भी चला जाएगा, सरकार भी चली जाएगी और सत्ता भी चली जाएगी।